अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा कैंसर जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को सिविल लाइन स्थित एक अतिथि भवन में निःशुल्क कैंसर जागरूकता अभियान और जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। डॉक्टर रुचिका अग्रवाल ने लोगों को कैंसर होने के कारण, लक्षण और उपचार के उपाय बताए। निःशुल्क जाँच के लिए लगभग 70 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनका जाँच कैंसर वैन में किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच गोरखपुर शाखा द्वारा राजस्थान सेवा समिति के सहयोग से चलाए जा रहे गरीब और असहाय व्यक्तियों की निःशुल्क जांच शिविरों का लोगों ने प्रशंसा किया। इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच के कोषाध्यक्ष अंकित तुलस्यान, सचिव आनंद जैन, निवर्तमान अध्यक्ष आनंद अरी अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, दीपक सर्राफ, राजू लुहारुका सहित वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचिका अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी पंकज अग्रवाल और मरीजों ने कहा, गरीब हो तभी और अमीर हो तभी, और प्रिवेंटिव बताने जो आप अपने स्तर पे अपने लिए बचा सकते। सेकेंड स्टेप आता है अर्ली डायग्नोसिस, कि हमें अगर हो रहा है तो हमें सही समय पे पता लगता है। इसके लिए खुद ही रिलेटेड जो कैंसर है उसका स्क्रीनिंग करवाना समय समय पे बहुत जरूरी है। जैसे अब स्कैन में ये प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कि वो इतने छुपे हुए हैं वो पता नहीं लगेंगे, अचानक से आपको एक दिन बड़ा सिम्टम आएगा या कोई और दिक्कत हुई तो पता लगा। वो सेकेंड स्टेप लक्षण जब भी आए, ऐसा कुछ भी लक्षण आपको लगता है, शक है, आप डॉक्टर से उसको कंसल्ट करें। फिर आता है डॉक्टर सही कौन है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये स्पेशली मैं अपर क्लास के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये लोअर क्लास के लिए है, स्पेशली जो गांव देहात में जाते हैं, जहाँ पे गोरखपुर साइड में मैं कहूँगी कि बहुत स्पेशलाइज डॉक्टर्स नहीं हैं, बहुत सारे क्वैक्स हैं। उन सबको भी ये अवेयर होने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण लग रहा है तो पेशेंट का टाइम खराब नहीं करना, दवा दे करके सिंपली उसका टाइम बढ़ाना नहीं है कि हाँ आप दवा लेकर आओ देखते हैं, नहीं। अगर आपको कोई भी चीज लगती है कि नहीं है, हम स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। गोरखपुर में इटसेल्फ 3 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे कैंसर का स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आप वहां जा सकते हैं, ठीक है। बीआरडी में भी है, प्राइवेट में भी है, ट्रस्ट में भी है, तो ऐसा नहीं है कॉस्टली। एक कंसल्टेशन सही जगह लेना जरूरी है। आपको अगर कन्याकुमारी जाना है तो कन्याकुमारी के टिकट लोगे, वैष्णो देवी जाना है तो वैष्णो देवी के टिकट लोगे। जब पता ही नहीं है कहाँ जाना है, इधर उधर घूमोगे तो अपना समय खराब करोगे और कैंसर टाइम नहीं देगा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, कैंसर टाइम नहीं देगा। शुरुआत स्टेज में पता लगने पे जितना सर्वाइवल रेट है, अगर हम मुंह के कैंसर की बात करें, 1-2 सेंटीमीटर से छोटा घाव हमें पता लगता है, उसको अगर हम पकड़ के ठीक करते हैं, 100 में से 90 मरीज ठीक हो जाते हैं। लेकिन वही अगर 4-5 सेंटीमीटर का बड़ा घाव है, गले में गांठें आई हुई हैं, ऐसा कुछ भी है, ये 100 में से कहीं भी चले जाइए, 100 में से आपका 55-60% का रेट होता है। तो ये डॉक्टर की, ट्रीटिंग डॉक्टर की या उसकी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है, ये आपकी अपनी गलती है कि आपको टाइम लगाया आपने सही। एवरेज अगर मैं कहूँ, जल्दी से जल्दी भी मरीज, एक ओरल कैंसर जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है, मैं उसके लिए बात करूँ, तो जो मरीज एक मुंह का घाव लेकर आता है उसको औसतन 6-8 हफ्ते लग जाते हैं कम से कम ओटी टेबल पे पहुँचने में। राजस्थान युवा समिति के संयुक्त प्रधान है, क्या कैंसर जैक्शन बैंक गोरखपुर लाई गई तुरंत प्राप्त कर सकेंगे? मैं अपनी बात पूछने के साथ विराम देता हूँ और कार को बधाई देता हूँ। मारवाड़ी रुकवाएं क्या तो छप कीजिए थोड़ा लीजिए नीरज माता ले जाइए सचिव जी श्री जनार्दन जलान जी आपका लिखा गया फॉर्म 2 शब्द और आ गया है जो फिर कैसे करेंगे।
मारवाड़ी वुमन में जो निःशुल्क कैंसर शिविर लगा हुआ है, मैं उसी के लिए आई हूँ जांच के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है और इससे लोगों को मतलब और भी प्रोत्साहन देना चाहिए और लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे हम कैंसर जैसी बीमारी से दूर रह सकें। मैं खुशबू डुंगटा, मैं यहाँ मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से ब्लड कैंप पे आई हूँ। यहाँ कैंसर का जो डिटेक्शन हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम है ये, बहुत ही सराहनीय। कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लोगों को अवगत कराने का, उन लोगों को सचेत करने के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास है ये। आगे भी संस्था ऐसे ही प्रयास कराती रहेगी तो फिर जनता को आराम होगा। जी, मैंने करवा लिया है और आगे अभी लंबी लाइन है, सब लगे हुए हैं। कैंसर अगर हम इन जनरल कहें तो शरीर के किसी भी हिस्से को जकड़ सकता है। इसमें आपका मुंह के कैंसर के लिए कहें सावधानियां, मुंह, छाती, लंग्स, पेट, इन सब के लिए अगर कहें तो तंबाकू किसी भी फॉर्म में, आपका गुलमंजन हुआ, गुटखा, सुरती, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, किसी भी फॉर्म में तंबाकू नुकसानदायक है, साथ के साथ शराब नुकसानदायक है। ये बहुत सारे कैंसर से अपने आप में बचा सकता है। इनके अलावा स्त्रियों में स्पेशली जो सर्वाइकल कैंसर आता है वो हाइजीन खराब रखने से और इन्फेक्शन होने से होता है, तो उसका सही समय पे टेस्ट कराते रहना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए कहें तो स्तनपान सबसे बढ़िया प्रिवेंटिव तरीका है ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए। इन सब के लिए कुछ सेट स्क्रीनिंग गाइड हैं, जैसे कि जो यहाँ पे स्क्रीनिंग कैंप लगी है इसमें सारी चीज़ों का एक सेट गाइडेंस है। जेंट्स में प्रोस्टेट होने से कैंसर जो होता है उसका ब्लड जांच है, ओवेरियन कैंसर का जांच है, 35 साल से ऊपर की सभी लेडीज़ को अपना सालाना पैप्समेयर कराना चाहिए, साथ के साथ मैमोग्राफी भी जैसे एडवाइस हो उस हिसाब से, नहीं तो 5 साल में एक बार, उसकी क्लियरली गाइडलाइंस हैं उस हिसाब से कराते रहना चाहिए। छाती का एक्सरे एक ज़रूरी होता है। मुंह की जांच जहाँ तक है वो मरीज़ खुद भी देख के कर सकता है और आगे स्पेशलिस्ट से भी करा सकता है। कॉमन लक्षण जो होते हैं, कहीं भी शरीर में गांठ होना, कोई ऐसा घाव है जिससे ब्लीडिंग हो रही है जो ठीक नहीं हो रहा है 15 दिन से ऊपर, ब्रेस्ट लंग कैंसर में खांसी जो आपकी 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं ठीक हो रही है और उसमें थोड़ा बहुत खून आ रहा है, ये सारे लक्षण हैं कैंसर के। अब तक 55 से 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है और ये हमारी मोबाइल कैंसर वैन है। अब आप लोग को कैंसर की जांच कराने के लिए इधर उधर जाने से ज़्यादा अच्छा है, आप लोग डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, लंबी लाइनें लगाते हैं। अब ये मोबाइल कैंसर वैन जो चल रही है हमारी, इसमें जो है अब लोगों के घर घर पहुँच के कैंसर की जांच कर रही है। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है अभी तक और बाकी रजिस्ट्रेशन अभी उम्मीद है कि हम लोग जो है 100+ रजिस्ट्रेशन तो कर ले जाएंगे आज आराम से और सबकी जाँचें भी हो जाएंगी, जिसमें राजस्थान सेवा समिति का एक विशेष सहयोग मिला।